Hello students, how are you? Now we start our lesson number 5. Lesson number 5 हमने start कर दिया था. Now we start our remaining part of this lesson. In previous video we study about that कि जो जो शाहजहाँ के बेटे थे दारा और औरंगजेब को जहांगीर है वो अपने दरबार में क्या करता है, बुलाता है ना. वो कहते हैं ना कि दारा एंड औरंगजेब इज रिक्वायर्ड एट द कोर्ट, कि दारा और औरंगजेब को उसमें किस में आना पड़ेगा, कोर्ट में आना पड़ेगा. एंड खुर्रम इज एग्री, खुर्रम जो होता है यानी कि जो शाहजहाँ है वो एग्री हो जाता है इसके लिए. अब वो जो क्या है, वो कोर्ट में पहुंच जाते हैं दोनों, दारा शिको और औरंगजेब, है ना. ये लेते ना कि वो कहते हैं कि वुड हिज ग्रैंड फादर द ग्रेट एम्परर जहांगीर लव हिम, क्या उनके दादा जो जहांगीर थे वो उन्हें प्यार करेंगे नहीं करेंगे. तो वो दोनों कन्फ्यूज थे. ठीक है, नाउ वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट पैराग्राफ. द स्प्लेंडर ऑफ द एम्परर्स कोर्ट डेजर्ट द यंग बॉयज, यानी कि स्प्लेंडर यानी कि जो चकाचौंध थी उसके एम्परर की कोर्ट की, जो वो उससे यंग बॉयज जो थे वो बहुत ज़्यादा उनकी आँखें चौंधी आ गई. द कोर्टियर्स वर अटायर्ड इन रिच सिल्क एंड ज्वेल्स, वहाँ के जो कोर्टियर्स यानी कि जो दरबारी थे उन्होंने जो अटायर थे यानी उनके जो कपड़े थे वो बहुत रिच इस सिल्क के बने हुए थे, यानी कि बहुत महंगा सिल्क था और ज्वेल्स उन्होंने पहन रखे थे. द थ्रोन ग्लिटर्ड विद गोल्ड एंड प्रेशियस जेम, जो थ्रोन था यानी जो सिंहासन था, जो मुकुट था, वो क्या था, ग्लिटर्ड, वो चमक रहा था विद गोल्ड से और प्रेशियस जेम से, यानी कि बहुत कीमती जो जेम्स होते हैं ना उससे वो क्या हो रहा था, वो शो ऑफ हो रहा था, दिखाई दे रहा था. द एम्परर लुक डाउन फ्रॉम हिज थ्रोन एट द टू बॉयज स्टैंडिंग बिफोर हिम, कि जो एम्परर था लुक डाउन वो देख रहा था फ्रॉम हिज थ्रोन अपने सिंहासन से, है ना, एट द टू बॉयज, उन टू बॉयज पर स्टैंडिंग बिफोर हिम जो उसके सामने खड़े थे, यानी कि राजा ने अपने सिंहासन से उन दोनों खड़े हुए लड़कों को देखा. डैज एंड नर्वस, वो बहुत ज़्यादा डैज यानी कि बहुत संकोच से थे, बहुत ज़्यादा घबराए हुए से थे और नर्वस थे. दारा स्टूड साइलेंट अंटिल समवन टैप्ड हिम जेंटली ऑन द शोल्डर एंड विस्पर्ड ग्रीट द एम्परर सन. दारा ओबीडिएंटली बेंट डाउन इन ए रेस्पेक्टफुल सलाम, है ना. तो क्या है, अब वो जो बेटा थे वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा नर्वस थे, बहुत ज़्यादा वो वहाँ की जो चकाचौंध से बहुत ज़्यादा वो घबरा से गए थे. दारा जो है वो बिल्कुल साइलेंट खड़ा हुआ था अंटिल समवन, फिर किसी ने टैप्ड हिम जेंटली ऑन हिज शोल्डर, उनकी कंधे पर थोड़ा थोड़ा सा बहुत जेंटली, बहुत अच्छी तरीके से प्यार से जेंटली सज्जन तरीके से थपथपाया और विस्पर फुसफुसाया, ग्रीट द एम्परर, एम्परर को ग्रीट करो यानी कि उन्हें विश करो बेटा. दारा ओबेडिएंटली, दारा ने कहना मानकर बेंट लो इन रेस्पेक्ट, एक सम्मानजनक तरीके से वो बेंट हुआ, झुका नीचे की ओर और सलाम बोला. औरंगजेब डिड द सेम, और औरंगजेब ने भी ऐसा ही किया. वेलकम डियर चिल्ड्रन, स्वागत है तुम्हारा बच्चों. यू हैव नथिंग टू फियर, सैड ए जेंटल वॉइस, एक जेंटल वॉइस इनकी बहुत एक अच्छी सी आवाज़, एक बहुत सज्जन वाली आवाज़ आई कि बहुत बहुत काम वॉइस, कि दैट यू हैव नथिंग टू फियर, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है. दारा लुक्ड अप फियरफुली, दारा देखता है बहुत डर फियरफुली, बहुत डरावने तरीके से, मतलब बहुत डर कर वो देखता है. देयर वॉज ए स्माइल ऑन द एम्परर फेस, कि एम्परर के फेस पर यानी कि जो सम्राट के चेहरे पर क्या था, एक मुस्कराहट थी. ए फ्लड ऑफ रिलीफ स्वेप्ट थ्रू द बॉय, ए फ्लड ऑफ रिलीफ, एक आराम की जो बाढ़ थी यानी कि एक कम्फर्टेबलनेस, एक जो कम्फर्टेबल महसूस करना था वो स्वेप्ट थ्रू द बॉय उनके अंदर बह निकला, यानी कि कहने का मतलब है कि जो एक वो ब्लड, वो कह रहा है कि जो फ्लड है, फ्लड यानी कि जो बाढ़ है, बाढ़ सी आ गई थी आराम की, मतलब रिलीफ की, एक मतलब वो जो वो घबरा रहे थे, जो उनको हेजिटेशन हो रही थी वो सब उनका दूर हो गया. द टू प्रिंसेस वर लेड टू द हरम, जो दो प्रिंसेस थी उनको, जो दो राजकुमार थे उनको ले जाया गया हरम में. हरम में जहाँ पर बेटा इनकी जो लेडीज़ वगैरह रहती हैं ना उनको हरम बोलते हैं. वेयर देयर ग्रांड मदर नूर जहाँ एंड द अदर लेडीज़ वेलकम देम, और वहाँ पर जहाँ उनकी दादी थी नूरजहाँ ने और दूसरी लेडीजों ने उनका क्या किया, उनका स्वागत किया. ए न्यू लाइफ बिगिन फॉर द टू बॉयज, कि जो एक नया जीवन था वो शुरू हो गया दोनों लड़कों का. लाइक ऑल प्रिंसेस इन ए रॉयल फैमिली दे वर एजुकेटेड एट होम, कि जैसे
और राजकुमारों की तरह से, जैसे और राजघराने की जो रॉयल फैमिली होती थी उनके सब राजकुमारों को शिक्षा दी जाती थी घर पर, ऐसी उनको शिक्षा दी जाने लगी, उनको शिक्षित किया जाने लगा, एजुकेटेड किया जाने लगा। एक सक्सेशन ऑफ स्कॉलर्स टॉट देम पर्शियन एंड उर्दू एज वेल एज रिलीजियस टेक्स्ट। एक सक्सेशन यानी कि मतलब एक समूह था जो स्कॉलर्स विद्वानों का, उन्होंने उसको सिखाया, क्या लैंग्वेज सिखाई, पर्शियन, उर्दू और उसके साथ में जो रिलीजियस टेक्स होती है यानी कि जो धार्मिक बुकें होती थी ना उनको उन्होंने सिखाया। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द प्रिंस वर गिवन रिगोरस लेसन्स इन वॉर फेयर, यानी कि जो कहने का मतलब है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण जो लेसन थे उन राजकुमारों को जो दिए जाते थे वो क्या किसके लिए दिया जाते थे, वॉर फेयर, यूथ से कनेक्टेड जो होते थे, यानी कि रिगोरस मीन्स होता है ट्रेनिंग देना, कि उनको ट्रेनिंग दी जाती थी किसके लिए, युद्ध के लिए। रिगोरस मतलब आपका यही है केयरफुल एंड थ्रो, इनकी बहुत केयरफुल तरीके से, केवर गिवन बहुत केयरफुल बहुत सावधानी से उनको लेसन दिया जाता था वॉरफेयर युद्ध के विषय में। एज द हीट इन द प्लेन्स रोज द एम्परर्स हेल्थ बिगेन टू डिटोरेट। तो क्या होती है कि एज द हीट इन द प्लेन्स, कि जब मैदान में मैदानी भागों में गर्मी बढ़ती है तो जो एम्परर की जो हेल्थ थी वो बिगेन डिटोरेट, वो मतलब नासाज होने लग जाती है, यानी कि उसकी तबीयत खराब होने लग जाती थी। नूरजहाँ डिसाइडेड टू लीव फॉर द कूलर क्लाइम्स ऑफ द काश्मीर। फिर नूरजहाँ ने क्या किया बेटा, नूरजहाँ ने डिसाइड किया कि वो कहाँ पर जाएगी, कि वो छोड़ देगी उस प्लेन्स के मैदानों को और वो कूलर जो प्लेस थे यानी कि जो ठंडा प्लेस है, क्लाइम्स यानी कि जो ऐसा प्लेस जो क्या है, इसे को क्लाइम्स का इसमें बताया, ए प्लेस विद ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ वेदर, कि एक ऐसा जहाँ पर एक विशेष प्रकार का जो मौसम रहता है काश्मीर में, वो एक वहाँ जाएंगे। अब देखो प्लेन्स यानी कि मैदानी इलाकों में गर्मी रहती है और जो हिली एरियाज होते हैं लाइक दैट कश्मीर यानी वहाँ पे वो कूल रहता है। द रॉयल फैमिली विद इट्स अकम्पनिंग इंटोर्स सेट ऑफ नॉर्थ वर्ड्स, यानी कि जो रॉयल फैमिली थी विद इट्स अकम्पनिंग यानी कि वो सारे सारे ज्वाइंट होकर कहाँ जाने लगे, एक ग्रुप ऑफ पीपल, तो यानी कि इंट्रोड्यूस होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि लोगों का जो समूह होता है, इसमें आपकी वर्ड मीनिंग्स में भी दिया गया है, इंट्रोड्यूस होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल हु ट्रेवल्ड विद एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, कि एक लोगों का समूह जो एक इम्पॉर्टेंट पर्सन के साथ में यात्रा करता है, सेट ऑफ नॉर्थ वर्ड्स, तो नॉर्थ वर्ड्स के लिए वो चलती है। द प्रिंसेस रोड हॉर्सेस और एलिफेंट्स वाइल द रॉयल लेडीज वर कैरिड इन पैलेंक्विंस। जो क्या है, जो राजकुमार है उनको वो उन्होंने वो सवार थे घोड़ों पर, हाथियों पर, और जो रॉयल लेडीज थी जो राजसी घराने की जो लेडीज थी उनको ले जाया जा रहा था पैलेंक्विंस यानी कि पालकियों में। स्प्रॉलिंग टेंट्स वर पुट अप वेयर एवर दे हॉल्टेड विद एवरी कंफर्ट एट देयर डिस्पोजल, यानी कि कहने का मतलब है जो स्प्रॉलिंग यानी कि विशाल टेंट, स्प्रॉलिंग जो विशाल टेंट थे वो लगाए गए जहाँ पर दे हॉल्टेड, जहाँ पर वो रुके थे, विद एवरी कम्फर्ट और उस सारे आराम उसके अंदर उनको अवेलेबल कराए गए, उपलब्ध कराए गए ना, एज देयर डिस्पोजल, उनके डिस्पोजल के लिए। सून दे एंटर्ड द ब्यूटिफुल वैली ऑफ काश्मीर, कि जल्दी ही दे एंटर्ड, उन्होंने एंटर किया यानी प्रवेश किया काश्मीर की एक सुंदर सी घाटी में। वन डे एज दारा टुक ए बोट राइड ऑन द लेक हिज गेज ट्रेवल्ड टुवर्ड्स द हिल्स, कि वन डे एक दिन जो दारा है वो उसने एक बोट राइड ली यानी कि वो नाव की सवारी करी डल लेक में। हिज गेज ट्रेवल टुवर्ड्स द हिल, और वो यात्रा करते समय वो घूर रहा था टुवर्ड्स द हिल पहाड़ी की ओर। वन डे आई विल बिल्ड ए ब्यूटिफुल पैलेस अप देयर ऑन द हिल्स एंड फिल इट विद बुक्स ही थॉट। तो अब जो दारा है वो क्या सोचता है कि एक दिन मैं यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा महल बनाऊंगा इन पहाड़ियों पर एंड फिल इट विद बुक्स, और इसको बुक्स के साथ बुक्स से भर दूंगा, ही थॉट, उसने सोचा। हिज ड्रीम टर्न इन टू रियलिटी ईयर्स लेटर वैन ही बिल्ड परी महल हिज लाइब्रेरी ऑन द जबरन रेंज ओवर लुकिंग द डल लेक। अब हिज ड्रीम था यानी कि उसका जो सपना था टर्न इन टू रियलिटी वो क्या हो गया, बिल्कुल हकीकत में टर्न हो गया, यानी कि कुछ वर्षों के बाद में उसका जो सपना था वो हकीकत में बदल गया। वैन ही बिल्ड, जब उसने एक परी महल बनाया
हिज लाइब्रेरी, और अपनी लाइब्रेरी को उसने जबरन रेंज ओवर लुकिंग द डल लेक, यानी कि डल लेक के को देखते हुए जो वहाँ की जो रेंज थी जबरन रेंज में, उसने वहाँ पर उसको लाइब्रेरी को बनाया। द काश्मीर आइडिल वॉज सून ब्रोकन, जो काश्मीर की जो आइडिली थी, आइडिली का मतलब यहाँ पर बताया गया यानी कि जो हैप्पी और पीसफुल जो सिचुएशन थी वो जल्दी ही टूट गई, यानी कि जल्दी ही वो ख़त्म हो गई, यानी कि जो आइडिल का जो हैप्पी और पीसफुल लाइफ वो स्पेंड कर रहे थे काश्मीर में, वो जल्दी ही ख़त्म हो गई। एम्परर जहांगीर फेल इल एंड पास्ड अवे, जो राज सम्राट जहांगीर थे वो बीमार पड़ गए एंड पास्ड अवे, और वो एक्सपायर हो गए यानी कि उनकी डेथ हो गई। द मुगल थ्रोन वुड नाउ हैव अनदर एम्परर्स, अब जो मुगल थ्रोन था यानी कि राज मुगल सिंहासन था जिसको अब एक नए सम्राट की आवश्यकता थी। दारा'स हार्ट स्वेल्ड विद प्राइड टू सी हिज फादर सिट ऑन द डेजलिंग जैम इनक्रस्टेड थ्रोन ही हैड सो एडमायर्ड, दारा का जो हृदय था वो स्वेल्ड विद प्राइड, गर्व के साथ में भर गया था, फूल गया था, है ना, ये देखकर कि टू सी उसके जो पिता है इस चमकते हुए शानदार चकाचौंध वाले जैम क्रस्टेड, इस बड़े से जैम क्रस्टेड यानी कि जैम लगे हुए ऐसे सिंहासन के उस पर उसके पिता बैठेंगे। ही हैड सो एडमायर्ड, जिसकी उसने बहुत जिसकी वो प्रशंसा ही हैड टू एडमायर, जिसकी वो प्रशंसा करता था। हिज फादर वाज नाउ एड्रेस एज शाहजहां एंड हिज मदर एज मुमताज महल, अब उसके जो पिता थे उनको अब शाहजहां करके शाहजहां से एड्रेस किया जाने लगा यानी कि बुलाया जाने लगा, एंड हिज मदर एज मुमताज महल, और उसकी माँ को मुमताज महल के नाम से। दारा साइट कंटेंटेड, हिज फैमिली वाज टुगेदर अगेन सेफ एंड सिक्योर, दारा ने साइट बहुत आहा ली यानी कि मतलब बहुत चैन की सांस ली यानी कि बहुत वो कंफर्टेबल उसने महसूस किया, क्यों, क्योंकि हिज फैमिली वाज टुगेदर अगेन, उसका परिवार जो था वो फिर साथ हो गया था, सुरक्षित था और सिक्योर था। प्रिंस दारा वाज 16 व्हेन हिज बिलवेड मदर डाइड, जो प्रिंस जो दारा था वो 16 साल का था जब उसकी बिलवेड मदर जो उसकी माँ थी उसकी बिलवेड मदर की डेथ हो गई थी। हिज एल्डर सिस्टर जहानारा टुक ओवर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर द फैमिली, यानी कि उसकी जो एल्डर सिस्टर थी उसकी जो बड़ी बहन थी जहानारा, उसने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली उसके परिवार की देखभाल करने की। 2 years लेटर ही वॉज मैरिड टू नादिरा बानू, लगभग 2 साल के बाद में ही वॉज मैरिड, उसकी शादी हो गई किससे, नादिरा बानू से। सून आफ्टर द यंग प्रिंस वॉज मेड कमांडर ऑफ 12,000 सोल्जर्स एंड 6,000 हॉर्सेस, जल्दी ही इसके बाद में जो यंग प्रिंस था उसको कमांडर बना दिया गया 12,000 सैनिकों का और 6,000 घोड़ों का। इविडेंटली द एम्परर विश्ड टू ट्रेन हिम फॉर ए मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, तो क्या है, इविडेंटली इसके बाद में घटनाक्रम के बाद में द एम्परर की इच्छा थी कि उसको ट्रेनिंग दी जाए, एक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाए और एडमिनिस्ट्रेटिव का जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल था यानी कि जो शासन जो आदि संभालता है उसके रोल को प्ले करे, उसको रोल की ट्रेनिंग दी जाए। लेटर द नंबर ऑफ सोल्जर्स एंड हॉर्सेज वर इंक्रीज, इसके बाद में जो सोल्जर्स की जो संख्या थी और जो घोड़ों की जो संख्या थी वो बढ़ाई गई। एंड दारा वॉज गिविन द टाइटल शहजादा ए बुलंद इकबाल, और दारा को उसके बाद में टाइटल दिया गया शहजादा बुलंद इकबाल। ही वॉज आल्सो मेड द गवर्नर ऑफ गुजरात एंड विद इन ए फ्यू ईयर्स गिविन द चार्ज ऑफ मुल्तान एंड काबुल एज वेल एज, ही वॉज आल्सो द मेड, उसको गवर्नर बनाया गया किसका, गुजरात का, और कुछ सालों के बाद में उसको चार्ज दे दिया गया यानी कि उसको अधिकार दे दिया गया मुल्तान और काबुल के, काबुल भी का, इसके साथ साथ उसको इसका भी अधिकार दे दिया गया। ओके स्टूडेंट, दिस लेसन इज़ वेरी लेंथी एंड आई विल कंटिन्यू द लेसन इन अवर नेक्स्ट वीडियो। ओके थैंक यू, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू डिस्कस विद मी। ओके थैंक यू।